हेलो फ्रेंड्स, मैं मुरार आपसे स्वागत करता हूं हिंदू चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इसके आज की वीडियो में आपको मैं बना करके दिखाने वाला हूं, जो आपके पास नॉर्मली एलईडी बल्ब होती है 3 mm की या 5 mm की, उस वाले एलईडी बल्ब को आप आरजीबी लाइट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को तुरंत से स्टार्ट करते हैं। स्किप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कनेक्शन में आपको ध्यान देना होगा, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने टोटल 6 एलईडीज को यूज किया जो कि नॉर्मल एलईडी है। अब मैं आपको इसे तुरंत से मतलब इसे ग्लो करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है और इसे बनाना किस तरीके से है, ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर रही है, मतलब नॉर्मल एलईडी है लेकिन ये फिर भी अच्छी तरीके से रन कर रही है, और ये ब्लिंकिंग भी काफ़ी अच्छी, मतलब अलग अलग इफेक्ट में ये काम करती है। तो चलिए अब इसे बनाना कैसे है ये मैं आपको तुरंत से बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से माने तो सिंपली हमें एक आरजीबी की जरूरत पड़ती है। आरजीबी लाइट आपके पास होता है लेकिन बहुत लोगों के पास ये आरजीबी लाइट नहीं मिलता है। जैसे कि इसमें टोटल 7 कलर्स होते हैं, आपको तो पता है, लेकिन फिर भी इसका आरजीबी नाम क्यों पड़ा? तो रेड ग्रीन ब्लू यानी कि 3 कलर्स के इसके नाम के आधारित इसे दिया गया है, जो कि इसके काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस में ये ग्लो करता है। तो आप इसमें से आरजीबी लाइट को यूज करना है, लेकिन कहाँ पर यूज करना है ये आपको कभी भी पता नहीं होता है, और आप लोग कनेक्शन करते हो तो ये काम नहीं करता है। बात करें इस नॉर्मल एलईडी बल्ब्स की, जो कि आप नॉर्मली 3 mm की रहती है, और आप इसे जब भी बल्ब्स के साथ मतलब बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो ये अच्छी तरीके से ग्लो नहीं करती। जैसे मैं आपको इसे दिखा देता हूँ ये क्यों नहीं ग्लो करती है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका टर्मिनल है इसे मैं थोड़ा सीधा कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आपको इसे सबसे पहले टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये एलईडी जो है सिंपली ये वाइट कलर की है, और ये नॉर्मली ग्लो कर रही है, जो कि आप इससे टॉर्च बना सकते हो, इमरजेंसी लाइट्स बना सकते हो, लेकिन आप दिवाली के लिए इसे डेकोरेशन लाइट नहीं बना सकते। डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर दिवाली लाइट्स के लिए ब्लिंकिंग वाली लाइट्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप ब्लिंकिंग लाइट अगर बनाना चाहते हो तो चेसर बनाना पड़ेगा, चेसर में से, जो कि आपको मैंने काफ़ी महीने पहले आपको वीडियो बना करके दिखाया था, लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम था, जैसे कि आपके पास उतने पैसे नहीं थे कि आप चेसर मशीन घर पे ही बना सको, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कैपेसिटर रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, और बैटरी भी आपको हायर की लगानी पड़ती थी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो LEDs है, तो LED का ये पॉजिटिव टर्मिनल था और नेगेटिव टर्मिनल था। तो एक जैसे ग्रीन वाला हमारा पॉजिटिव वाला वायर मैंने लगा दिया है, और रेड कलर का नेगेटिव पॉइंट मैंने लगा दिया है। अब जो हमारा जो ये वाली जो मतलब LED है वाइट कलर की, इसका पॉजिटिव हमें ग्रीन LED के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर कर देना है। अब उसी तरीके से सेम प्रोसेस से जो रेड कलर का हमारा LED है उसे भी इसी तरीके से लगा देना होगा, जो कि यहाँ पर देख रहे हो, मतलब जो हमारा पहला LED है वो पॉजिटिव रहेगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ, फिर दूसरा LED का नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से आपको मतलब इसे डायरेक्ट सीरीज में लगाना है। अब यहाँ पर जो हमारे पास 2 LED बचा हुआ है, तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि एक LED जो है वो ख़राब हो गया है, तो मुझे जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था तभी ये पूरी तरह से ख़राब हो गया। तो यहाँ पर मैं 5 LED यूज कर रहा हूँ, और 5 LEDs किस तरीके से, जैसे कि आप लोग हमेशा यूज करते हो और ये चलता है। तो देखिए ये मैक्सिमम LED जो होती है, जैसे कि ये 3 वोल्ट की होती है, 3, 6, 9, 12, 15, 15 वोल्ट ये मैक्सिमम आप ये लोड लेगी। तो हमारे पास लिथियम आयन बैटरी है जो कि 3.7 वोल्ट की होती है, तो उससे तो ये सभी LEDs ग्लो बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इससे ग्लो करने के लिए मैं यहाँ पर DC बूस्टर का यूज कर रहा हूँ, ऑन ऑफ स्विच का मैं यूज करूँगा, और कुछ कॉपर वायर्स के हम यूज करेंगे, क्योंकि इसे हमें कनेक्शन में भी करना है। तो अब सिंपली जिस तरीके से आप नॉर्मली इसे कनेक्शन करते हो तो मैं उसी तरीके से करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जो DC बूस्टर है इसके ऊपर मैंने यहाँ पर डबल साइड टेप लगा दिया है, क्योंकि देखिए जितनी दूर मैं कनेक्शन आपको समझाऊंगा उतना ही आपको प्रॉब्लम पड़ेगा इसे बनाने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली सभी जो जितने भी हमारे पास सर्किट है इन सभी को मैं एक दूसरे के ऊपर में ही इस तरीके से चिपका लेता हूँ। यहाँ पर देखिए DC बूस्टर को मैंने बैटरी के ऊपर में चिपकाया है, उसी तरह से मैंने यहाँ पर जो ऑन ऑफ स्विच हमारा था उसे भी मैंने यहाँ पर इसी तरीके से चिपका दिया है। और देखिए वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो तो लॉन्ग हो गई। अब जो हमारा जैसे देखिए बैटरी के नेगेटिव पॉइंट पर मैंने सोल्डर कर दिया है, और जो हमारा दूसरा वायर है उसे मैं डायरेक्ट इस तरीके से स्विच के साथ में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और स्विच वाले वायर से मैंने DC बूस्टर का नेगेटिव भी सोल्डर कर दिया है। अब जो DC बूस्टर का जो पॉजिटिव है और बैटरी का पॉजिटिव है उन दोनों को एक साथ इस तरीके से सोल्डर कर देना है।
तो यहाँ पर देखिए, जब भी आप लोग इस प्रोजेक्ट को बनाते हो तो आपको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मल्टीमीटर ही आपका एक ऐसा साधन है, मतलब एक ऐसा वो है जिससे आप वोल्टेज को चेक कर सकते हो। मतलब मान लीजिए ज़्यादा वोल्टेज होगा तो आपकी जो LEDs है वो तुरंत से ही फ्यूज हो जाएगी। ये तो देखिए, अब जो हमारा LED है, LED का पॉजिटिव टर्मिनल, उससे हमें डायरेक्ट DC बूस्टर के पॉजिटिव पॉइंट पर सोल्डर करना है। अब जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट आप देख सकते हो कितना दूर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली छोटा सा कॉपर वायर यूज करूँगा और इसे मैं यहाँ पर सोल्डर कर दूँगा। और मैंने पीछे साइड में डबल साइड टेप भी लगा दिया जिससे ये लाइट उस पर टच ना करे, जिससे ये शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो DC बूस्टर तो आपको पता है किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम सिंपली इस बैटरी को ऑन करें तो अभी मैक्सिमम जो हमारे DC बूस्टर से जो आउटपुट वोल्टेज निकल रहा है वो 3.7 वोल्ट ही निकल रहा है, क्योंकि मैंने अभी DC बूस्टर से वोल्टेज को इंक्रीज नहीं किया है। तो मैं तुरंत से आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से अब ग्लो करेगी। देखिए, अब मैं जो हमारा जो AC टेस्टर है उसकी हेल्प से मैं इसे DC बूस्टर की हेल्प से वोल्टेज को बूस्ट कर रहा हूँ, मतलब बढ़ा रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा बढ़ा दीजिए, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, क्योंकि ये LED काफ़ी नॉर्मल होती है और ये तुरंत ही फ्यूज हो सकती है। देखिए, मैंने थोड़ा सा ही इसे राउंड किया और ये लाइट जो है ये पूरी तरह से ग्लो करने लगी है। लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई अभी भी ये ब्लिंकिंग नहीं कर रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन आपके सामने है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर 5 LED को यूज किया था, तो सबसे लास्ट वाला जो नेगेटिव वाला वायर रहेगा वहाँ पर आपको एक LED को हटा देना पड़ेगा और उसकी जगह पर आपको एक RGB लाइट को भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि यहीं पर वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ, मतलब आप लोग वीडियो को स्टॉप कर दोगे और सोचोगे कि हम खुद से कनेक्शन करें, तो ये काम कर जाएगा। तो अगर नहीं काम करता उसके लिए तो मैं आपको पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, वैसे गलती आपकी रहेगी फिर भी मैं आपको सॉरी बोल दे रहा हूँ। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, सिंपली सेम प्रोसेस से ही RGB लाइट को इन दोनों लाइट्स के बीच में इस तरीके से लगा देंगे। तो कनेक्शन काफ़ी इजी था, आपको मैंने समझा के अच्छी तरह से इसे टेस्ट करके भी अब मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और अगर आपको बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। तो देखिए, आप जब भी इस तरीके से करो, सबसे पहले आपको फिर से DC बूस्टर को वोल्टेज जो इसका है वो लो करना होगा, क्योंकि हो सकता है RGB लाइट देने पर ये वोल्टेज ज़्यादा भी ले सकता है या कम भी ले सकता है। तो अब हम धीरे धीरे वोल्टेज को बूस्ट करते हैं, यानी बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अब ये किस तरीके से ग्लो करता है। तो फाइनली इसे मतलब पूरी सिक्योरिटी के साथ में आपको इसे बनाना पड़ेगा, सावधानी के साथ इसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है, इसमें एक DC बूस्टर भी लगा हुआ है जिससे ये आपको 40 वोल्ट आउटपुट दे सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूँगा, आप लोग मल्टीमीटर पहले आप लोग मल्टीमीटर से टेस्ट कर लीजिएगा, मैक्सिमम जितनी LEDs लगाओगे, जैसे एक LED 3 वोल्ट की होती है मैक्सिमम, और अगर आप इसे 15 वोल्ट मतलब जैसे 5 से 10 LEDs लगाते हो तो आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिए। मान लीजिए 10 LED लगाते हो तो आपको इसमें 30 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, 30 वोल्ट की बैटरी आपके पास तो नहीं होगी, इसलिए मैं DC बूस्टर से ही आपको चेक करके दिखाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और आप दिवाली से रिलेटेड बोलते हैं इसलिए मैं दिवाली से रिलेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करते ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। मिलेगी एक वीडियो सब के लिए, जय हिंद।